माय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी हम चल रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। अभी जो मोटो जीपी का मोटर जो रेस होगा, मोटर बाइक का, आप देखिए किस तरह से सजा हुआ है एक्सप्रेसवे। एक एक पेड़ का देखिए कितनी अच्छी तरह से छटाई है हो गई है। रोड का देखिए, रोड कितना सुंदर है, कहीं भी आपको गड्ढा नहीं दिख रहा होगा। देखिए गाड़ी का काफिला जा रहा है बिना किसी रुकावट का। बारिश के कारण भी बाद भी है ना, रोड खराब नहीं हुआ। जहाँ भी थोड़ा गड़बड़ है वहाँ रिपेयर कर दिया गया। दोनों तरफ देखिए कितनी ग्रीनरी है। इसको और ट्रिमिंग करके चार चांद लगा दिया गया है। जिससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मोटर बाइकर आएंगे तो इम्प्रेशन अच्छा बने। इसके लिए हमारे योगी जी का प्रयास हर समय लगा रहता है कि यूपी उत्तर प्रदेश का इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाए, इसीलिए वो हर तरह प्रयास करते रहते हैं। ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास एक्सप्रेसवे है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। जो मोटो जीपी का रेसिंग होने जा रहा है वो रेसिंग ट्रैक में होगा जो जमुना एक्सप्रेसवे पर है। वहाँ पर भी इसी तरह आप देखिए ग्रीनरी है, बेहतरीन कटिंग करा हुआ है। कहीं भी आप देखिए अनटाइडी की तरह से पेड़ पौधे नहीं बिखरे पड़े हैं। हरियाली को भी रखना बहुत बड़ी बात है, इसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मौसम बदलते रहता है। कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी बारिश का मौसम आएगा, कभी सर्दी का मौसम आएगा। ये खुला आसमान के नीचे ये हरियाली, पेड़ पौधे, इसको भी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे एक हम अपने शरीर को मेंटेन करते हैं या किसी पालतू पेट को देखते हैं, उसी तरह ये पेड़ पौधे को भी देखना पड़ता है। तो इसकी भी देखभाल में अच्छा खासा मेहनत लगाना, एफर्ट लगता है, तब ये इतना हरा भरा दिखता है। इसकी भी कटिंग, इसकी भी खाद, इसमें भी पानी देना, इसकी भी देख रेख, कीड़ा लगा तो इसकी भी देख रेख करना, बहुत सारे मेंटेन करने में बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है हॉर्टिकल्चर वाले को, तब ये हरियाली है। ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका एक ही मिशन है कि यूपी द बेस्ट रहे हर मामले में, चाहे अपराध रहित हो, चाहे इंडस्ट्रियल रूप में हो, यहाँ इंडस्ट्री लगे। तो इस तरह करके यहाँ पर अभी देखिए मोटो जीपी का जब रेसिंग होगा उस समय यहाँ पर एक्सपो मार्ट में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्टॉल भी लगाया जाएगा, तो उसका भी जगह जगह बैनर आप देख सकते हैं, वो भी लगा हुआ है। अभी हम चल रहे हैं एक्सप्रेसवे पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कहीं बाहर में, विदेश में जा रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं। तो मोदी जी, योगी जी का एक ही विजन है कि अपने कंट्री को ऊपर से ऊपर ले जाना है, तरक्की याफ्ता देश में इसको शामिल करना है। इसीलिए हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में ये विशेष ध्यान दे रहे हैं, चाहे एजुकेशन हो गया या यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाना है, स्टार्टअप लगाना है। अभी दो दिन पहले यहाँ पर स्टार्टअप के लिए भी एक नई योजना मोदी जी ने किया, जिससे कोई भी अपना कर सकता है काम।
तो बहुत सारे सबको प्रेरणा दे रहे हैं आगे बढ़ने का। शिक्षित युवा है हमारे यहाँ का, उनकी सोच सबका विजन एक देते हैं कि सबकी सोच आगे बढ़े। जब सबकी सोच आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। पढ़े लिखे शिक्षित युवा भटकेंगे नहीं, गलत रास्ते में नहीं आएंगे। उसकी विजन क्लियर होगी कि मेरे को आगे बढ़ना है और कुछ करना है देश के लिए, अपने लिए। जब अपने लिए करेंगे तो ऑटोमेटिक देश के लिए भी होगा। और उसको सुविधा, बैंक लोन या जो भी सुविधा है वो मुहैया करवाएंगे। तो ये रोड भी उसी में है कि जितना जो भी सुविधा है, आप देखिए रोड वगैरह हर चीज का इतना अच्छा स्ट्रक्चर होगा कि नेचुरली है कि कोई चीज का असुविधा नहीं रहेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन हर जगह किया गया है। ऑनलाइन का श्रेय कोविड को भी जाता है। कोविड के समय में इतना आदमी भयभीत हो गया था कि टच करने में लगता था किसके किसको कोरोना है किसको नहीं है, वो मुश्किल था। तो इसके लिए ऑनलाइन उस समय बहुत राइज किया। और ये जो ऑनलाइन जो पेमेंट का सुविधा है वो आप सोचिए वर्ल्ड में इंडिया टॉप है। अभी जो G20 हुआ UPI का, सभी देश जो G20 में 20 देश हैं और जो हमारे 9 अतिथि देश आए थे, सभी ने UPI को एक्सेप्ट किया। तो मोदी जी का विजन हाई फाई है, इसका मुकाबला कर नहीं सकते हैं। उनका यही एक सोच है कि एक आदमी से इतना बड़ा देश नहीं चल सकता है। सभी का विजन अगर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रहे और आगे बढ़ने प्रोग्रेसिव रहे तभी देश नंबर 1 हो सकता है। तो बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले में। ये देखिए एक्सप्रेस वे कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा ग्रीनरी लग रहा है आसपास बगल बगल में। और सब ये आज का नहीं है, आज मोटो जीपी का हो रहा है रेसिंग, ये पहले से ही बना हुआ है, बट इसको अभी और अच्छी तरह से सजाया गया है। अभी टाइम है 2-4 दिन, 5 दिन, और जो है जमुना एक्सप्रेसवे को भी इस तरह करके सजा दिया गया है। जो बाहर आए हमारे मेहमान जो है उनको अलग लगेगा नहीं कि हम कहाँ पर हैं। बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।